डेट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद हॉल बुक कराएंगे। अभी फिलहाल जो है ना, हम सोच रहे थे कि नवंबर में डेट फिक्स कराएं, नवंबर के महीने में। इतना तो डिसाइड हो गया था कि नवंबर में हम भाई की शादी रखेंगे, लेकिन अभी कैंसिल हो चुका है नवंबर का। नवंबर से 1 महीने पहले हो चुकी है भाई की शादी, यूँ समझे अक्टूबर में। तो अब तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने जो है ना आज जल्दी जल्दी से काम खत्म किए हैं, क्योंकि भाई एक तो 2-3 दिन से बारिश आ रही है, मेरा जो है ना प्रोग्राम हमेशा वर जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जो है ना आज मैंने बोला जल्दी से काम खत्म करती हूँ, इससे पहले के बादल बरसें, मैं उससे पहले जो है ना आज अपना काम करने के लिए चले जाऊंगी। तो असल में बात यह है कि मुझे जो है ना कल जाना था किसी काम से। असल पापा और मैंने जो है ना निदापी के कपड़े सिलने के लिए दिए थे, तो उसकी शमीज हमें जो है ना खरीद के देनी थी, जो कि हमने नहीं दी थी उन कपड़ों के साथ। तो अभी मुझे उसी काम के लिए जाना था कल, लेकिन नहीं जा पाई, परसों भी नहीं जा पाई थी। तो आज मैं जा रही हूँ उसी काम से। अभी भाई गए मैं बाहर शाम के लिए कुछ पकाने के लिए लेने के लिए, ताकि जब हम आएंगे ना तो हमें आने के बाद कोई मुश्किल ना हो, भाई को दोबारा नहीं जाना पड़े। अभी मैं जाऊंगी भाई के साथ मार्केट, शमीज लेंगे पहले, और फिर उसके बाद जाएंगे उनके घर जिनके पास सूट सिलने के लिए दिए हुए, और फिर जाएंगे हम दादी के घर पे, यानी कि घूमते फिरते जाएंगे मौसम का मजा लेते हुए, एंजॉय करते हुए। और अभी जो है ना सुबह से मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह से हवा चल रही है और जो है बादल बने हुए हैं। सुबह से बस धूप नहीं निकली है, बात ये है, लेकिन बारिश नहीं हो रही आज। अच्छा है बारिश नहीं हो रही, मैं अपना काम कर लूंगी उसके बाद, भले हो जाए या फिर रास्ते में हो जाए, लेकिन घर से निकलने से पहले ना हो। फिर ये होता है भाई बोलते हैं बाइक खराब हो जाएगी, मैं भी लेके जाऊंगा, बाइक बंद हो जाएगी रास्ते में। इसीलिए जो है ना बस जल्दी जल्दी से अभी तैयार होती हूँ मैं, बस अबाया पहनना है और थोड़ा मुंह सुधारना है, अभी अभी नहा के आई हूँ, बस ऐसा हो रहा है वाइट वाइट। तो घर जाती हूँ मैं, रेडी होती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना चलने की तैयारी करती अभी हूँ। भाई भी आ गए हैं, भाई को जो सामान बोला था ना वो लेकर आ गए हैं, दे दें इधर। मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इसमें जो है ना गोश्त वगैरह टमाटर है, जो कि आज शाम में बनाने हैं, मैंने पापा को बोला दाल गोश्त बनाना है, तो खैर फ्रिज में रख देती हूँ, ये हम बनाएंगे आने के बाद। अभी आप भी रेडी हो जाएं हाथ मुंह धो के। हाँ, मैं मुँह हाथ धो रहा हूँ फिर चलते हैं, क्योंकि बाहर बादल हो रहे हैं कल की तरह। हाँ, बारिश नहीं आ जाए। प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो जाए हाँ, ना। प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता आज, बस जल्दी से चलते हैं, मैं रेडी हूँ, बस अबाया पहनना है फिर चलते हैं। सही। घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम आ चुके हैं मार्केट, और ये हम मार्केट पे जो है ना उसी शॉप पर आए हैं जिस शॉप पर हम हमेशा आते हैं। इधर जो है काफ़ी सारे सूट लटके हुए हैं, लेकिन इन सूट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इनकी तरफ मैंने नज़र भी नहीं करनी है ताकि मेरा दिल नहीं ललचे। तो अभी फ़िलहाल बस मैंने शमीज़ लेनी है, जिस काम से आई हूँ वो करूँगी, और सीधा जाएंगे हम दर्जन के पास। बाहर देखें काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हमने बैठ के बिरयानी खाई है। और अब मैंने भाई को बोला था बोतल मंगवाएं, बोतल पियेंगे और फिर चलेंगे। यहाँ मैंने सामान रख दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो, तो बस बोतल पीते हैं और चलते हैं। तो फाइनली अभी हम चच्ची के घर पहुँच चुके हैं, बहुत देर बाद पहुँचे। और अभी जो है ना ये मेरी एक कज़न है जो कि बराबर वालों का बच्चा लेके आ रही है, यानी कि पड़ोसियों का। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, मैंने अपनी गोद में ले लिया और बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा, जो कि मेरी गोद में चुपचाप बैठ गया। और ये दोनों मुझे देख रही थी कि मैं इनका इनकी वीडियो बना रही हूँ, ये जो इंतज़ार कर रही है अब मेरे व्लॉग का, कि जब व्लॉग में आएगा ना तो हम देखेंगे अपने आप को। खैर भाई चच्ची से बातें कर। तो अभी फाइनली हम जो है चच्ची के घर पे पहुंच चुके हैं, और घर से जो है ना हम निकले थे 3:30 बजे आई थिंक, और फिर 24 गए, 24 बैठ के बिरयानी खाई, फिर गए हम वो कपड़े देने के लिए, उसके बाद हम गए दादी के घर पे। दादी के घर से अब इधर आए, यानी कि घूमते फिरते अब इधर पहुंचे 5 बजे, यानी कि 5:30 हो रहे हैं, इधर पहुंचे बड़ी देर में पहुंचे हम, 3:30 बजे निकले थे, 5:30 बजे इधर पहुंचे, इधर आए हैं काफी देर। चच्ची से अंदर बातें की, अभी भाई अंदर बैठ के चच्ची से ही बातें कर रहे हैं, और मैं बाहर आई हूँ तो मैंने सोचा कजन से बातें करती हूँ, कजन अभी किचन में खड़ी है। और इधर जो है ना दो बच्चे खड़े हैं, अभी बच्चे नहीं है, बच्ची हैं, छोटी छोटी सी मेरी दोनों कजन है, नहीं एक बराबर वाले की बेटी है और एक मेरी कजन है, तो उनसे भी मिलवा देती हूँ। ये देखें जी, ये बच्चे अभी जा रहे हैं बाहर, बाहर जा रहे हो ना, चले बाहर जाए, मेरे लिए चीज लेके आना, वैसे मैं दे रही हूँ, चीज लेके आ जाना, ठीक है। और यहाँ जो है ना छोटा मुन्ना है मेरी कजन की गोद में, जो कि अभी कजन मुँह छुपा रही है, खैर कोई बात नहीं, छुपा लो छुपा लो, कुछ नहीं होता। और छोटे मुन्ने को अभी मैंने भी गोद में लिया था, इतना प्यारा लग रहा था। घर आए हुए काफी देर हो चुकी है, और आते के साथ जो है ना सबसे पहले तो मैंने अपना अबाया उतारा है, उसके बाद काम किया, और आते के साथ लाइट भी चली गई, यानी कि लाइट हम आए हैं और लाइट भी गई है 5 मिनट बाद। और मैंने अंधेरे में फिर काम किया, आते के साथ सफाई की, घर थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा था, और अभी हाथ मुंह धोए, थोड़ी फ्रेश फील कर रही हूँ, और अभी तक आते के साथ यूँ समझे बैठी भी नहीं हूँ, कब से जो है ना काम में लगी हुई थी।
ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी हमें आए हुए 20-25 मिनट हुए हैं, बस काम में लगी हुई थी और आई हूँ तो यहाँ पर खाना भी रेडी है। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत काम हुआ होगा बाकी करना पड़ेगा, लेकिन खाना बिल्कुल रेडी है। बस मैंने जो है ना अभी थोड़ी देर में रोटी पकानी है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी आधा घंटा, फिर उसके बाद रोटी पकाऊंगी। खैर अभी देखते हैं खाने में क्या बन रहा है। वैसे तो मुझे पता है क्या बन रहा है, लेकिन आप सबको दिखाती हूँ कि खाने में आज क्या बना है। तो पूरे घर में जो है ना अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है। बस जो है ना चार्जिंग लाइट पे गुजारा हो रहा है, कमरे में भी चार्जिंग लाइट जल रही है और पापा यहाँ पर बैठे हैं, भाई अभी अभी गेट खोल के बाहर गए हैं एसी थोड़ा नजारे करने, और एक लाइट यहाँ पर जल रही है। अंधेरा हो रहा है यानी कि सारे घर में, ये मैंने अभी बस रोशनी के लिए जलाई हुई, बंद कर दूंगी। और यहाँ पर बन रहा है भाई खाना, जो कि अभी पापा बना रहे थे, खड़े होके अभी चले गए कमरे में, और मैंने सोचा था बना हुआ नहीं होगा, आके काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आई हूँ तो बिल्कुल रेडी है सालन। ये देखें इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं है, सब कुछ रेडी है, मिर्ची वगैरह भी डली हुई है, दाल भी है, गोश्त भी है, बिल्कुल पका हुआ है। बस ऐसी जो है ना आखिरी टाइम चल रहा है इसका, अभी ये पकने वाला है नहीं। बस मुझे अभी यहाँ पर खड़े होकर आटा गूंदना है, जो कि मैं गूंदूंगी अभी 10-15 मिनट तक। और सफाई भी हो चुकी है, भाई की चप्पल वगैरह मैंने अभी धोई थी जो एक बाहर गए थे, इतनी कीचड़ में भरी हुई थी मुझे पता है, और मैंने अपने पाँव भी धोए, सारे जो है खराब हो गए थे। खैर अभी थोड़ी देर में आटा गूंदूंगी क्योंकि जो खाना बन चुका है, इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। मैंने सोचा था नहीं बना हुआ होगा, खैर बन गया। मैंने आते के साथ पापा को बोला है, मैं बना लेती आके काम करवा देती, लेकिन पापा ने खैर कर लिया, अच्छी बात है। मैं अपना काम करती हूँ अभी यहाँ पर थोड़ी देर में। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा, और माशाल्लाह से आप कलर देखें दाल का कितना प्यारा आया है। कभी कभार ऐसा कलर आ जाता है कि दिल करता है बस देखते हो, ये पूरा इसका जो तेल है ना वो रेड रेड है पूरा, और रोटियां भी बन चुकी हैं। बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो चुका है तेल, क्योंकि इसमें भी ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, और पापा डाल रहे हैं ना तो सारा चमचे के साथ आ रहा है प्लेट में। तेल जो है ना, तेल इसमें ज्यादा ही हो गया आज ना, अंदाजे का पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ लग रहा है, क्योंकि वीडियो में देख रही हूँ ना इतना दरअसल ज्यादा वो तेल लग नमाज रहा का है। टाइम हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी जो है ना डाला फटाफट। अच्छा चलें जी अभी रोटी निकालते हैं, खाना खाते हैं, तेल का तो कोई बात नहीं पेट में चले जाएगा। अच्छा है खाना खा लिया है अभी हमने, और जो है ना खाना काफी अच्छा बना हुआ था। और आजकल जो है ना हम जब भी खाना खाते हैं लाइट चली जाती है, क्योंकि लाइट की यही टाइमिंग है अक्सर, जब हम खाना खा रहे होते हैं अंधेरा हो रहा होता है, लाइट नहीं होती, लेकिन खैर ये है पंखा तो चल रहा होता है, बस घर में जो है ना रोशनी नहीं होती है। जब लाइट होती है ना घर में रौनक रौनक सी लगती है, और जब लाइट चले जाती है ऐसा लगता है घर में बिल्कुल खामोशी छा गई है, कोई शोर नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, बस ये है लाइट होती है तो थोड़ी सी रौनक लगती है। अभी ऐसा लग रहा है पूरे घर में खामोशी हो रही है और कुछ नहीं। एक तो वैसे ही हमारे घर में सिर्फ 3 अफराद हैं, इसलिए जो है ना हम आपस में इतनी बातचीत नहीं करते। मैं अपना फोन में लगी रहती हूँ, भाई से जितनी बात करनी होती है कर लेती हूँ, पापा से कोई इतनी बात नहीं करती, मैं बस थोड़ी बहुत काम के मुताबिक कर लेती हूँ कभी कभार हंसी मजाक, क्योंकि पापा है भाई अच्छा नहीं लगता। खैर अभी फिलहाल लाइट गई हुई है, रौनक नहीं है घर में, थोड़ी देर में आ जाएगी 9:30 बजे तक। और जैसा कि आप सबको पता है आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और कुछ दिन से जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं भाई की शादी की तैयारियां स्टार्ट करें, लेकिन फिलहाल हम मुहर्रम की वजह से भी रुके हुए थे कि मुहर्रम खत्म हो जाए उसके बाद करेंगे। खैर मुहर्रम में तो अब 2-3 दिन रह गए, मुहर्रम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो है ना अब बारिश स्टार्ट हो गई है। हमने सोचा था भाई की शादी की तैयारी करेंगे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, कोई नहीं अब ये है बारिश जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम भाई की शादी की तैयारी करेंगे। और अभी फिलहाल जो है ना डेट फिक्स करेंगे कुछ दिन में, असल में डेट फिक्स हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं ताकि फिर जो है ना हॉल वगैरह बुक करवा सकें, क्योंकि जो है हॉल वगैरह अगर हम एंड में बुक कराएंगे तो हॉल बुक नहीं होंगे, वो पहले से ही बुक हुए हुए होंगे किसी और के, तो इसलिए हमने हॉल जल्दी बुक कराने हैं। अभी डेट फिक्स करेंगे कुछ दिन तक, 10-12 दिन तक डेट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद हॉल बुक कराएंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम सोच रहे थे कि नवंबर में डेट फिक्स कराएं, नवंबर के महीने में, इतना तो डिसाइड हो गया था कि नवंबर में हम भाई की शादी रखेंगे, लेकिन अभी कैंसिल हो चुका है नवंबर का, नवंबर से 1 महीने पहले हो चुकी है भाई की शादी, यूँ समझे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में भाई की शादी होगी, लेकिन डेट अभी कोई डेट का कोई सीन नहीं है कि डेट कब फिक्स होगी कब नहीं, जब भी फिक्स होगी ना आप सबको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को भाई की शादी है। बस अभी इतना ही पता है हमें अभी कि अक्टूबर में, क्योंकि पहले हमने सोचा था नवंबर में रखेंगे, लेकिन अब अक्टूबर में। बस अभी डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हॉल बुक करेंगे, फिर तैयारियां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई हम 3 बंदे करने के लिए शादी की तैयारी, और टाइम हमारे पास कम है।
खैर अभी लाइट गई हुई है और पापा जो है अपना बैठक में बैठे हैं, अक्सर इस कमरे में बैठे होते हैं लेकिन अभी बैठक में बैठे हैं, कोई बात नहीं। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।